नगर में दो पक्षों में पथराव के बाद तनाव, पिपरा जटामपुर गांव का मामला, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मेरा स्वभाव समाज कल्याण और बच्चों का भविष्य सुधारने का है, मैं अपना काम करता रहूंगा, जिसको जो करना है वो करे। बागपत के निकाय चुनाव में जीत के लिए वार पलटवार, निवर्तमान चेयरमैन ने दिया विवादित बयान, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बांदा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा, सपा बसपा के लिए लद गए दिन लद गए और निकाय चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत का किया था। भदोही में प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने निकाय चुनाव के लिए किया प्रचार, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का किया दौरा, गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से हेलंग के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप, करीब 5 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा से जुड़े अधिकारियों की पर्यटन मंत्री ने ली बैठक, सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा मार्ग पर ओवर रेटिंग की शिकायत पर तुरंत करें कार्रवाई। आगरा में हेरिटेज हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, आग में झुलसा ड्राइवर, हालत गंभीर। अलीगढ़ में बारिश से गिरी मकान की छत, छत के मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत, 5 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। लखनऊ में नहर में गिरी बेकाबू कार, कई लोगों के घायल होने की सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। बरेली में दुकान पर पैसे के विवाद को लेकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर वहां से भागे, पुलिस बदमाशों की छानबीन में जुटी। हरिद्वार में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में किया हाथ साफ, 2 महिलाओं समेत 3 लोग सोने का गहना लेकर फरार, सीसीटीवी में किया चोरी की वारदात। हरिद्वार में हटाया गया लाल जी वाला में वन गुर्जरों द्वारा किया गया अतिक्रमण, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित, चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं से सीएम धामी की अपील, मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गधेरे में पर ग्लेशियर से मार्ग बंद और यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रुकने को कहा गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गधेरे में रस्सी के सहारे निकाले जा रहे ये तीर्थ यात्री जान को हथेली पर रखकर कर रहे हैं यात्रा। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी से करीब 10 फीट जमी बर्फ, सेना जवानों ने शुरू किया बर्फ हटाने का काम, 20 मई को हेमकुंड साहिब की यात्रा हो रही है शुरू। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर किसाला के पास पहाड़ी दरकने से आवाजाही बंद, बंद मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। रामनगर में बाबा विश्वनाथ मार जगदीशिला ढोली रथ यात्रा का श्रद्धालुओं ने किया जोरदार स्वागत, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी भी वहां पर रहे मौजूद। नैनीताल में वन भूमि पर बने अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई, पहाड़ी वाले सैयद बाबा की मजार को किया गया ध्वस्त। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, 9 मई को 24 घंटे का उपवास रखेंगे हरीश रावत, इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के गन्ने का 200 करोड़ रुपए बकाया। ऋषिकेश में 2 दिवसीय यूथ 20 कंसल्टेशन इवेंट की शुरुआत, मंत्री रेखा आर्य ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यक्रम में देश विदेश से 250 प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 20 मई से शुरू होने जा रहे हेमकुंड यात्रा की तैयारियों पर मौसम की मार, लगातार हो रही बर्फबारी से यात्रा की तैयारियां बाधित। उन्नाव में भाजपा सभासद प्रत्याशी के समर्थन में फर्जी वोटिंग कराने पर हंगामा, बैंक कर्मी धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर फर्जी वोटिंग का आरोप है, सपा प्रत्याशी ने किया हंगामा, उन्नाव के बंदुहार का मामला। उन्नाव में मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ से भिड़े लोग, लोगों के विरोध के बीच पुलिस सुरक्षा में मतदान कर्मियों को निकाला गया बाहर। अमरोहा में शादी के बंधन में बंधने के बाद मतदान करने के लिए पहुंची दुल्हन, विदाई से पहले नगर की सरकार चुनने के लिए किया मताधिकार का इस्तेमाल, अमरोहा की धनोरा नगर पालिका कस्बे का मामला। उन्नाव में वोटर्स का जोश रहा हाई, वृद्ध महिला मतदाता ने किया मतदान, प्रशासनिक अधिकारी ने की मदद। जालौन में जिला प्रशासन की बद इंतजामी का मामला आया सामने, दिव्यांगों के लिए मतदान को लेकर नहीं किए गए इंतजाम, बेटे की गोद में दिव्यांग पिता ने वोट डाला।
प्रयागराज में सपा और बीजेपी कार्यकर्ता में हुई झड़प, सपा समर्थकों ने बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से की बदसलूकी। बिजनौर में आपस में भिड़े भाजपा कांग्रेस के समर्थक, फर्जी वोट डालने को लेकर एक दूसरे में हुई मारपीट, तीन लोग पुलिस हिरासत में। चंदौली में फर्जी मतदान के मामले को लेकर भिड़े भाजपा और कांग्रेस के समर्थक, मौके पर मौजूद लोगों ने फर्जी मतदान के आरोप में एक युवक को पकड़ा। चंदौली के नगर पंचायत सैयद राजा में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मतदान केंद्र पर की गई भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। अमरोहा के गजरौला नगर पालिका से बसपा प्रत्याशी के पति को पुलिस ने लिया हिरासत में, फर्जी मतदान का आरोप लगा रहा था बसपा प्रत्याशी का पति हरपाल। कुशीनगर में वायरल मुहर लगी वैलेट रील मामले में प्रशासन सख्त, तीन लोगों पर एफआईआर करने का दिया निर्देश। महाराजगंज के मिचलौल कस्बे में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े, आपस में हुई नोकझोंक, दोनों एक दूसरे पर रकम बांटने का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। नगर निगम लखनऊ जोन 2 के मतदान केंद्र पर हुआ हंगामा, विपक्षी दल के नेता ने सत्ता पक्ष पर जबरन वोट कराने का आरोप लगाया, पुलिस और विरोध कर रहे लोगों में नोकझोंक। मैनपुरी के बूथ नगला पजाबा पर राजनीतिक पार्टियों का हंगामा, विशेष पार्टी को लाभ देने का लगाया गया आरोप, वोटर्स को बेवजह परेशान करने का भी आरोप। मैनपुरी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति अनुजेश प्रताप सिंह ने सपा के कार्यकर्ता को हड़काया, वीडियो वायरल, कार्यकर्ता को मारने की धमकी। जौनपुर में मतदान के दौरान दो संदिग्ध युवकों को डीएम अनुज झा ने पकड़ा, फर्जी आधार कार्ड पर मतदान करने के शक में आरोपी को हिरासत में लिया गया। मोहम्मद हसन भूत पर निरीक्षण के दौरान पकड़े गए दोनों आरोपी। फतेहपुर नगर पालिका परिषद के सपा प्रत्याशी और पुलिस में तीखी नोकझोंक, सपा प्रत्याशी के समर्थक ने पुलिस को गोली मारने की दी धमकी। बलरामपुर में फर्जी मतदान करने पहुंचे चार लोग हिरासत में लिए गए, फर्जी आधार कार्ड लेकर पहुंचे थे मतदान केंद्र। गाजीपुर नगर पालिका परिषद चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ, निर्वाचन आयोग ने फर्जी आधार कार्ड पर मतदान कर रहे चार लोगों को पकड़ा। झांसी की वार्ड नंबर 10 की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नीलम चौधरी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, कहा एक शख्स ने कई बार डाले वोट। शामली के सरस्वती विद्या मंदिर पोलिंग सेंटर पर बवाल, सभासद प्रत्याशी अनिल उपाध्याय ने वोटर का सिर फोड़ा, मौके पर लोगों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने प्रत्याशी समेत चार अन्य को लिया हिरासत में। फिरोजाबाद में नगर निगम के वार्ड नंबर 29 से फर्जी वोटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में चार महिलाएं, चार पुरुष शामिल, सभी से थाने में की जा रही है पूछताछ। शामली के सदर विधानसभा से आरएलजी विधायक प्रसन्न चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया, विधायक का आरोप वीवी इंटर कॉलेज में कुछ शरारती तत्व चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। गाजीपुर के बहादुरगंज में डीएम की चेकिंग के दौरान पकड़े गए दो फर्जी मतदाता, डीएम और एसपी ने पोलिंग बूथ पहुंच करके किया निरीक्षण। चंदौली में निकाय चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर दो पक्ष आमने सामने, प्रत्याशियों और समर्थकों में आक्रोश, पुलिस ने पांच महिलाएं समेत चार युवकों को पकड़ा। संभल के चंदौसी में तीन महिलाओं समेत चार लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, फर्जी वोटिंग की कोशिश का आरोप है, गांधी पार्क मतदान केंद्र का मामला। फतेहपुर में 3 फीट की विकलांग ज्योति तिवारी ने मतदान किया, ज्योति ट्राई साइकिल से मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने आई। लखीमपुर खीरी के भाजपा उम्मीदवार पुष्पा सिंह के बेटे की गाड़ी पर हमला हुआ, कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, पुलिस ने माहौल को करवाया शांत। अमरोहा में फर्जी वोटर्स के विवाद में जमकर हुई पत्थरबाजी। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, एआईएमआईएम और बीएसपी पार्टी को वोट करने की अपील को बताया गलत, सपा प्रत्याशी के साथ की कही बात। बलिया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और सीनियर नेता नारद राय के बगावती तेवर, अपनी पसंद के उम्मीदवार पर मुहर न लगने पर निर्दलीय उम्मीदवार संजय उपाध्याय के समर्थन में उतरे, सपा जिलाध्यक्ष ने दी कार्रवाई की चेतावनी।
बस्ती नगरपालिका अध्यक्ष पद पर पिछले 40 साल से सपा को मिली निराशा, 40 साल के ग्रहण को दूर करने के लिए जी जान से जुटी सपा, भाजपा और बसपा में होगा कड़ा मुकाबला। विधान परिषद की दो सीटों के लिए जारी हुई अधिसूचना, 29 मई को होगी दो एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग। बनवारीलाल के निधन और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं दोनों सीटें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर के अहरोरा और चुनार में जनसभा की, कहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन और अहरोरा और चुनार में होगी भाजपा की जीत। कानपुर में पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भाजपा में करवाया शामिल। सुल्तानपुर में सीएम योगी ने की जनसभा, भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, गुंडे और दंगों को लेकर सपा पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर के अहरोरा और चुनार में की जनसभा, कहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन और अहरोरा और चुनार में होगी भाजपा की जीत। कानपुर में पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भाजपा में करवाया शामिल। सुल्तानपुर में सीएम योगी ने की जनसभा, भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील, गुंडे और दंगों को लेकर सपा पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर बोला हमला, गोरखपुर की तस्वीर की साझा, लिखा यह है तथा कथित स्मार्ट सिटी गोरखपुर की बदहाली का सच। अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया प्रचार, सपा पर बोला हमला, कहा सपा सरकार में सपाइयों का आतंक था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।